सेक्शन 65 के बारे में चर्चा करते हैं। पहले बेयर एक्ट की रीडिंग लगाते हैं। लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवार्डेबल। यह सेक्शन उस स्थिति के बारे में बताता है जहां पर किसी ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों अवार्ड किया गया है, उस स्थिति के अंदर क्या रूल एप्लीकेबल होगा उसके बारे में सेक्शन बता रहा है। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। In case both imprisonment and penalty awarded for non-payment of fine, maximum 1/4 of the imprisonment can be awarded। यह सेक्शन 65 है, उस स्थिति में अप्लीकेबल होगा जहां पर कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ में फाइन दोनों के लिए उसको सजा दी गई है। उस स्थिति में अगर वो फाइन का पेमेंट नहीं कर पाता है, ऑफेंडर पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में उसको फाइन का पेमेंट न करने की वजह से अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी। उस वो सजा कितनी होगी उसके बारे में सेक्शन में बताया गया है। उसकी जो सजा होगी वो उस अपराध के अगेंस्ट में जितनी उसको सजा मिल सकती है उसके 1/4 से अधिक उसको सजा से दंडित नहीं किया जा सकता। अगर वो फाइन का पेमेंट नहीं करता है तो उस सजा से रिलेटेड जितनी उसकी सजा है, जितनी उसकी अलाउड है, जितनी उसको अवार्ड की गई है, उससे 1/4 से ज़्यादा उसको समय के लिए सजा से दंडित नहीं किया जा सकता। इस सेक्शन में एक बात इम्पोर्टेंट है कि इन केस अगर मान लो किसी व्यक्ति को सिर्फ फाइन से दंडित किया गया है तो यह सेक्शन उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। जहां पर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों से उसको दंडित किया गया है और फाइन का अगर वो पेमेंट नहीं किया कर पा रहा है उस स्थिति के अंदर उसको कितनी सजा दी जानी चाहिए उसके बारे में इस सजा के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। आई थिंक दिस सेक्शन इज क्लियर।